इस वीडियो के पहले मेरे वार्डरोब में एक सलवार सूट ही नहीं था। लड़की तो जैसे डायनासोर की तरह चल रही है। टेकन ओवर बाय यशराज। सिंदूर पहुंचते और मुझे एक आंसू निकालना है उसी टाइम पे, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक बार सुनील शेट्टी ने मुझसे कहा भी था कि यार मैं स्क्रीन पर देखता हूँ तो रोते ही रहता। आजकल एक्टर्स अपनी इमेज क्रिएट करते हैं। पेड़ों के पीछे चेंज करना पड़ता था। कंटिन्यूसली काम कर रही थी। टिल द एज ऑफ 30 आई वॉज लिविंग आउट ऑफ सूटकेसेस। साउथ फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स, साउथ फिल्म। तो जो मुझे अच्छी लगी, जिन लोगों के साथ मुझे काम करना अच्छा लगा, मैंने वो फिल्में की। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है, ये इंडस्ट्री की उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्हें हम नेचुरल ब्यूटी कहकर बुला सकते हैं। ये मॉडलिंग बैकग्राउंड से आई एक ग्लैमरस फील्ड था, लेकिन इंडियन फिल्मों में जब इन्होंने इंडियन क्लोथ्स पहने तो अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके लोगों के दिल धड़का दिए। इनकी लॉन्चिंग हुई सम ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि यशराज एंड राजश्री। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज सुपरस्टार्स के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एंड पवन कल्याण। मेरे साथ है मोहब्बते गर्ल, छुईमुई गर्ल प्रीति झंगियानी। प्रीति जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू खुशबू एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। प्रीति जी, आज मैंने आपको देखा, फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिली हूँ और यकीन मानिए कि मोहब्बतें से आप एक दिन भी एज में आगे नहीं लग रही है। सो वेल मेंटेन्ड और बिल्कुल वही वाला आपका लुक। थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू सो मच। लेकिन काफ़ी टाइम तो हो गया है, सो देयर आर फ्यू चेंजेस। जब आप आई थी पहली बार, मोहब्बतें से पहले आपका गाना आया था छुईमुई सी तुम लगती हो। उसके बारे में भी हम बात करेंगे और मोहब्बतें के बारे में भी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले प्रीति झंगियानी क्या करती थी, कहाँ से हैं वो और कैसा आपका बचपन है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरी पैदाइशी जो है वो पैदाइशी मुंबई में ही हुई है। मेरे मम्मी और पापा इनफैक्ट उनके पेरेंट्स पार्टीशन के टाइम से कराची से आए थे मुंबई, और तब से मेरी फैमिली मुंबई में ही बेस्ड है। सो आई एम अ सिंधी फैमिली, इफ यू हैव गेस्ड। सो सिंस देन हम मुंबई में ही बेस्ड हैं। और मेरी मैं पहले टाउन साइड में रहती थी। मेरी स्कूलिंग जो है कफ परेड में हुई है, जीडी सोमानी में, और फिर कॉलेज मैंने जय हिंद कॉलेज में किया, चर्च गेट में। और इमीडिएटली आफ्टर की इनफैक्ट मैंने ग्रेजुएशन भी थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी सारी मॉडलिंग और एक्टिंग कर रही थी। साउथ फिल्म से मैंने शुरुआत की इनफैक्ट, तो आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट ऑलरेडी। पहला मॉडलिंग असाइनमेंट क्या था और किसने कहा कि आप मतलब मॉडलिंग कर सकती हैं, या कैसे आप मॉडलिंग में आई? किसी ने नहीं कहा, मुझे कॉलेज बंक करना था। और ये कोलगेट जेल के एड वाले लोग जो हैं वो एक फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे, तो कॉलेजेस में पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट। पहले कितना अच्छा होता था कि कॉलेजेस जाकर फ्रेश फेसेस ढूंढे जाते थे। ऑडिशंस बहुत कम होते थे, एजेंसीज जो आपको प्रोवाइड करें एक्टर्स या यू नो मॉडल्स, तो एजेंसीज इतने नहीं होते थे। इनफैक्ट होते ही नहीं थे आई थिंक, एज फार एज आई रिमेम्बर उस टाइम पे। तो फिर मैंने वहाँ ये पैम्फलेट देकर हमने हमारे फ्रेंड्स ने जाकर ऑडिशन दिया, और उस एड फिल्म के लिए मैं सिलेक्ट हो गई, कोलगेट जेल का जो था। अच्छा। और वहाँ पे सेट पे जो फोटोज क्लिक किए गए थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए एक दो एड एजेंसीज को। सो वहाँ से आई स्टार्टेड मॉडलिंग, और मैंने काफ़ी एड फिल्म्स किए। और मेरा पहला म्यूजिक वीडियो जो था वो पंकज उदास जी के लिए था, सच बोलता हूँ मैं। राधिका राव और विनोद सप्रू ने डायरेक्ट किया था। वो उस टाइम उनके फर्स्ट फ्यू वीडियोस थे, लेकिन आज तो वो दे आर एस्टीम्ड म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स एंड फिल्म डायरेक्टर्स नाउ। सो उस टाइम उन्होंने वो किया था। उसके लिए भी मैंने मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने बोला चलो ये करना है, ये वो मड आइलैंड में शूट किया था हमने वो वीडियो। तो तब तक आपने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे यही करना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हॉबी थी सिंपली, और जैसे जैसे एड फिल्म्स आती गई मैं करती गई। मेरी फैमिली जो है काफ़ी प्रोग्रेसिव है, और मेरे पेरेंट्स इनफैक्ट लोग कहते हैं ऐसे, तो आपको लगता है कि चुईमुई के टाइम से लगता है कि आप तो सलवार सूट में ही के लिए बने हो ये वो। ऐसा कि इस वीडियो के पहले मेरे वार्डरोब में एक सलवार सूट ही नहीं था, बिकॉज लाइक एनी अदर मॉडर्न इंडियन गर्ल आई डिडंट ओन सूट। एंड माई फादर इज ऑलवेज से कि ये मत करो। मेरी मम्मी को भी हमेशा बोलती थी कि आप पूजा में सिर मत ढको, ये मत करो। सो दे वर ऑलवेज वेरी प्रोग्रेसिव, दे नेवर टोल्ड मी नॉट टू गो आउट विद बॉयज और नॉट टू wear certain kind of clothes और नॉट टू, इसलिए आप देखोगे कि मैंने अपने पहले म्यूजिक वीडियो में ही किस का सीन है एंड आई डिडंट इवन थिंक ट्वाइस अबाउट इट उस टाइम। मुझे इतना क्योंकि इस टाइम की थॉट्स मेरी फैमिली में या मेरे पेरेंट्स ने कभी हमारे मन में लाए नहीं थे कि हम बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं कि हमें एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना चाहिए, ड्रेस करना चाहिए या they only told us you do what you like and you enjoy. So if you enjoy modeling, in fact मेरे father भी और enjoy कर रहे थे. He used to want to travel with me and वो चाहते थे कि मेरे साथ travel करके sets पर आए, बैठे, देखें. तो फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी नहीं था आपके परिवार में? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक. लेकिन मैं मॉडलिंग एंजॉय कर रही थी, उसके बाद म्यूजिक वीडियोस मैंने एंजॉय किया. जैसे जैसे एड फिल्म्स बहुत सारी आने लगी, मैं करती रही एंड स्लोली बिफोर आई न्यू इट, जानने से पहले ही एक मेरा एक प्रोफेशन बन गया था मॉडलिंग। जहाँ तक यू नो एग्जाम्स के लिए भी मेरे पास एक दिन होते थे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर रही थी शूटिंग फॉर एड्स। और जब आपने छुईमुई सॉन्ग किया तो कैसे मिला वो आपको गाना, कहाँ पर शूट हुआ था, क्या मेमोरी है उस गाने की? वो मेमोरी उस टाइम तक एक एजेंसी आ गई थी, आई थिंक राजश्री फिल्म्स पहली बार राजश्री म्यूजिक लॉन्च कर रहे थे। रजत बरजात्या जो हैं सूरज जी के जो कजिन हैं, उन्होंने लॉन्च किया था। अनफॉर्चुनेटली रजत इज़ नो मोर, बट ही इज़ वेरी, ही पास्ट अवे वेरी यंग, बहुत ही यंग एज के थे उस टाइम पे भी। तो वो राजश्री म्यूज़िक स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो म्यूज़िक लेबल जानते थे कि उसकी पोटेंशियल क्या हो सकती है आज के टाइम में। तो उन्होंने पहला एल्बम जो कि मिलिंद इंगले के साथ उन्होंने ये रिकॉर्ड किया था, अब वो म्यूज़िक वीडियो शूट करना चाह रहे थे, तो बहुत ही ऑफकोर्स बड़े वे में करना चाह रहे थे। सरोज जी थी कोरियोग्राफर, मनीष मल्होत्रा कपड़े कर रहे थे, कुणाल कोहली डायरेक्ट कर रहे थे, ऑफकोर्स रजत थे। तो बहुत ही, और सारे बैठे थे चूज़ करने के लिए कि ये लड़की कौन होगी जिसको चूज़ करेंगे। तो मुझे बुलाया था मेरे एजेंसी के जो ओनर है, ओनर की जल्दी जल्दी अभी अभी मिलना है, ये वो आप आ जाओ। तो मैं कॉलेज से डायरेक्ट आई थी, तो उन्होंने देखा बोला कि आपने मेकअप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, यू नो ऐसे थोड़ी आते हैं मीटिंग के लिए। आई मीन सो दे वर मीटिंग अ फ्यू गर्ल्स, बट आई केम स्ट्रेट फ्रॉम कॉलेज, में मिली उनसे। और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि ऑडिशन ऐसा कुछ था नहीं, मिले वो बस, उन्होंने कहा कि आप तो नो मेकअप लुक में आप सेलेक्ट हो गई, इसीलिए मैंने आपको कहा नेचुरल ब्यूटी है। यस, नहीं एट 16 मुझे लगता है 16-17 में हर लड़की नो मेकअप में भी ठीक लगती है। सो एट दैट यंग एज आप ना तो केयर करते हो, आई थिंक वो ना केयरिंग में भी एक चार्म है। yes. और एक यंग लड़की का जो नेचुरल चार्म है वो शायद। जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी तब आपको लगा था ये गाना इतना बड़ा हो जाएगा, इतना क्रेज हो जाएगा इस सॉन्ग का? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट शूट करने के बाद भी जब किसी मॉडल्स और एक्टर्स को दिखाया था तो उन्होंने बोला था ठीक ठाक था। मैं एक इंसान का नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने वो देख के कहा था ये लड़की तो जैसे डायनासोर की तरह चल रही है। आई थिंक आई वॉज नॉट वेरी ग्रेसफुल। तो उन्होंने कहा ठीक ठाक, देखते हैं कैसा चलता है, ठीक। बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा वो वीडियो, या वो कोला बेयर ऐसा एक सिंबल बन जाएगा। और हमने एक डील साइन की थी, यहाँ राजश्री फिल्म्स ने डील साइन की थी हॉलमार्क कार्ड्स के साथ। तो सारे हॉलमार्क के ये म्यूज़िक वीडियो के साथ सारे हॉलमार्क के कार्ड्स, कप्स, मग्स, पोस्टर्स हॉलमार्क ने बनाए हुए थे। तो हमने एक हॉलमार्क स्टोर में, जैसे ही वीडियो रिलीज़ हुआ था, हम एक हॉलमार्क स्टोर में गए थे पुणे में उसको लॉन्च करने के लिए, यहाँ रिलीज़ करने। तो हम बासर में गाड़ी से निकले और वो क्राउड देखकर आई मीन वी वर शॉक कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, बिकॉज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का क्राउड आएगा या इतना क्रेज़ था वीडियो के लिए। उस टाइम हमने एक्चुअली देखा कि इस वीडियो के लिए कितना क्रेज। और वो कोला बेयर्स की तो डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि आर्चीज पे और जा के ढूंढते थे कि आया कि नहीं आया। वो शर्ट पे लगाना वो एक ट्रेंड बन गया था, ट्रेंड बन गया था। तो इट वाज हमारे लिए, सबके लिए एक, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, शौक था हम सबके लिए कि इतना पॉपुलर हो जाएगा। बांद्रा में मैं निकलती थी, मैं पानी पूरी वूरी खाती थी अपने पेरेंट्स के साथ। आई कुडंट डू दैट एनीमोर बिकॉज क्राउड हो जाता था वहाँ पे। अच्छा, आपने राजश्री के साथ काम किया, और राजश्री तो जाने जाते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस देने के लिए, आपको भी दिया है। और क्या राजश्री ने फिर आपको कोई फिल्म ऑफर नहीं की? इमीडिएटली बाद आई थिंक मैंने मोहब्बतें साइन कर ली थी। अच्छा, इसी गाने के बस 6 या 7 महीने बाद मैंने मोहब्बतें साइन कर ली। सो आई थिंक वो ऑप्शन ही नहीं मिला, चांस नहीं मिला, क्योंकि मोहब्बतें के लिए मुझे 1 साल के लिए अंडर यशराज फिल्म्स काम करना था. I had to train for the film for a year, and that was the contract that I don't do any other film till this film releases. Talking about your co-star in this song, Chhuimui Si, Abbas. आप अब्बास से touch में हैं? नहीं, actually I'm not in touch with Abbas at all. उस time of course काफ़ी time तक हम in touch थे, फिर because क्योंकि वो south की फिल्में कर रहे थे और वो वहाँ पर settle हो गए, तो it was difficult. उन्होंने भी साउथ में बहुत अच्छा काम किया और कुछ महीनों पहले आई थिंक जुलाई में ही उनको लेकर खबर आई थी कि वो न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो गए हैं और मैकेनिक बन गए हैं, कार ड्राइवर बन गए हैं. I heard of that. आपने सुना क्या? मतलब आपकी बातचीत हुई उसके बाद? मैंने वेगली कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़े थे, लेकिन क्योंकि हम इतने सालों से आउट ऑफ टच में हैं, so I don't know how much the reports are true or untrue. नहीं, उन्होंने खुद ने भी इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें उन्होंने भी कंफर्म की है ये चीज़ कि फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने छोड़ी और पॉलिटिक्स एंड व्हाटएवर द थिंग्स हैपनिंग. देखिए, किसी किसी लोगों के लिए काम करती है फिल्म इंडस्ट्री, किसी के लिए नहीं. यू नो, नॉट एवरीबडी कैन बी शाहरुख खान. सबकी एक लाइफ स्टोरी होती है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई शर्म है या कोई बुरी बात है कि वो कहीं और हैं या मैकेनिक का काम कर रहे हैं. दैट्स फाइन, ही इज प्रोवाइडिंग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, एंड आई थिंक दैट्स फाइन. इट्स ग्रेट. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू से कि ओ ये इनके लिए चला या नहीं, बिकॉज हर इंसान की लाइफ स्टोरी अलग होती है. सही है. या प्रीति, आप बॉलीवुड से लॉन्च नहीं हुई थी, आप लॉन्च हुई थी साउथ से, और आपकी पहली फिल्म ही साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ थी. बताइए वो साउथ की जर्नी कैसे शुरू हुई? वो भी एक बहुत स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है, क्योंकि एकदम चुईमुई के बाद जो पहले ऑफर्स आए इमीडिएटली, मतलब मैं कहूँगी कि एक दो महीने भी नहीं हुए थे वीडियो को, वो इतने सारे साउथ के फिल्म आए. और मुझे याद है मेरा घर होता था बांद्रा में, छोटा सा. अब्बास के साथ ही इसीलिए केमिस्ट्री देखकर साउथ के लोगों ने ज़्यादा देखा, I suppose probably yes. तो छोटा सा मेरा घर था बांद्रा में, और आई रिमेम्बर दो बड़े बड़े साउथ के प्रोड्यूसर्स आके दोनों ही बैठे और दोनों को सेम डेट्स चाहिए थी. फिर बाद में क्योंकि एक फिल्म थी नागार्जुन सर के साथ और एक थी पवन कल्याण के साथ, तो फिर बाद में दोनों प्रोड्यूसर्स आई थिंक फ्लाइट पे मिले और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम ये डेट्स पे करेंगे. दोनों की कर सकती हूँ फिल्म, बट आई थिंक वो नागार्जुन वाली फिल्म फिर बाद में डिले हो गई और वर्कआउट नहीं हुई, तो आई डिड द पवन कल्याण फिल्म तबड़ू, रीमेक ऑफ जो जीता वही सिकंदर. एंड अगेन पवन कल्याण उस टाइम पे इतने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन वो जाने जाते थे एक फिल्म एक टाइम पर करने के लिए, और कि वो बहुत मेहनत करते हैं हर एक फिल्म में. और सच में उन्होंने उनसे आई थिंक मैंने सच में सीखा कि एक फिल्म पर कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि वो एक बॉक्सर का रोल प्ले कर रहे थे और बहुत ही दिलो जान से उन्होंने उस फिल्म में मेहनत की. और मेरे साथ भी काफ़ी पेशेंस दिखाया उन्होंने, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड आल्सो फर्स्ट टाइम इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, तो बहुत ही पेशेंस दिखाया. एंड आई रियली लर्न. एंड मधु अंबर जी कैमरा वर्क कर रहे थे, ही इज़ नोन टू मेक ईच फ्रेम लाइक अ पेंटिंग, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा. सो साउथ फिल्मों से तम्बड़ू, उसके बाद मैंने प्रशांत के साथ एक तमिल फिल्म की हलो, फिर मैंने नरसिम्हा नायडू की बालकृष्ण सर के साथ. सो ऑल दीज वर वेरी बिग फिल्म्स एंड वेरी बिग नेम्स इन द साउथ. बॉलीवुड में भी आप बिग नेम्स के साथ, दीदी रात्रि के साथ लॉन्च होना, और साउथ में भी बिग नेम्स थे. अगेन उस टाइम पे आप इतना इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो, आप सोचते नहीं हो कि ओ माय गॉड मैं इतने बड़े नाम के साथ काम कर रही हूँ, इतनी बड़ी फिल्म कर रही हूँ. आप आप ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, या यू नो यू आर वेरी केयर फ्री एट दैट टाइम, एंड यू डोंट गिव सो मच इम्पोर्टेंस, विच वॉज गुड. नहीं तो वो बहुत मेरे ऊपर हैवी हो जाता कि मैं इतने बड़े नामों के साथ. बट आई वुड वांट टू से कि चाहे वो पवन कल्याण हो या बालकृष्ण सर हो, या फिर आप शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन की भी बात करें, ऐसा लगता नहीं है एक न्यूकमर को कि वो बहुत बड़े स्टार के साथ बैठे हैं, या वो आपको ऐसा फील होने ही नहीं देते. वो आपको बहुत ही, आई वुड से दैट फॉर ऑल ऑफ देम, दे मेक यू फील वेरी लाइक देयर फ्रेंड. सो दैट रियली ईज और कंफर्ट देते, ताकि कैमरा के सामने वो इन जनरल वो बहुत ही, आई मीन आई रिमेम्बर जहाँ नरसिम्हा नायडू की शूटिंग हुई थी बालकृष्ण सर के साथ, वो एक ऑलमोस्ट एक विलेज था. वहाँ पे कुछ नहीं था रहने के लिए, और आई वॉज सो लाइक में कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे. थोड़ा एक हट बनाया हुआ था, 10 दिन हम वहीं रहे थे, और इतनी मुश्किल था, हमें पेड़ों के पीछे चेंज करना पड़ता था और यू नो सो बट ही वाज कूल। उन्होंने इन सारे मुश्किल कंडीशंस में इनफैक्ट बाद में शूटिंग के बाद उन्होंने विलेजर्स के लिए एक ब्रिज बनाया था शूटिंग के लिए, उसको पक्का भी कर दिया ताकि दे कुड यूज दैट ब्रिज लेटर ऑन। ये सारी बातें कोई नहीं जानता है। तो साउथ में सब ठीक चल रहा था, बड़े नामों के साथ काम कर रहे थे आप, तो फिर बॉलीवुड का कैसे हुआ, कैसे यशराज से कांटेक्ट हुआ, क्या कहानी? अगेन फोन आया था मेरे घर पर और मेरे फादर ने फ़ोन उठाया और हम अगेन फिल्म फैमिली से नहीं थे, फिर वी डोंट कि यशराज जितनी बड़ी, लेकिन मेरे फादर आए मिलने और हम आदि ने हमें बुलाया तो आदि से मिलने गए हम। मैं आदि कहती हूँ क्योंकि वो ऑलमोस्ट बहुत ही यंग उस टाइम पे भी हमारी एज के अराउंड थे और बहुत काफ़ी यंग थे। वो मुझे और मेरे फादर से मिले, हम यशरी से तो बाद में ही मिले। अच्छा। लेकिन पहले आदि से ही मिले और उन्होंने पूरा समझाया कि मैं समझता हूँ कि आप साउथ की फिल्में कर रहे हो ये वो, लेकिन जब आप ये फिल्म करोगे तो आपने आप क्या आप एक साल के लिए अपने आप को फ्री रख सकोगे? वेरी पोलाइट, वेरी नाइस एंड वेरी जेंटल आई वुड से कि यू नो ये हमारी ऐसी ऐसी फिल्म है और मैं चाहूँगा कि आप करो ये फिल्म। तो हम घर गए, हमने सोचा एक दो लोगों से पूछा करनी चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने बोला आप पागल हो कि आप सोच रहे हो कि इसमें सोचने वाली बात है नहीं। सो आई सेड येस टू दैट फिल्म और उसके बाद माई लाइफ वाज टेकन ओवर बाय यशराज फिल्म्स। तो आपको पूरी कहानी बताई गई थी, आपको स्टारकास्ट भी पहले बता दी गई थी कि ये कहानी है? हाँ, कहा गया था कि शाहरुख खान और काजल थी उस टाइम फिल्म में। अच्छा। हैं फिल्म में। अच्छा। लेकिन कहानी इन यंगस्टर्स के बारे में है। और बाद में हमें जब काफ़ी टाइम बाद हमें जो अच्छे एक्टर्स को बिठा के एक फुल नरेशन दिया गया था। एंड अच्छा। आदि हिमसेल्फ, आई डोंट नो कि आपने सुना है कि नहीं, लेकिन आदि बहुत ही ब्रिलियंट नरेटर हैं। अच्छा। और वो जिस तरह 4.5 hours की नरेशन थी। हाँ। उनके घर पे। हाँ। पूरा हम सबको कंफर्टेबल करके 4 घंटे की नरेशन दी थी फिल्म की, पूरा डायलॉग्स एक्सेट्रा के साथ, सारे डायलॉग्स उन्होंने खुद रिसाइट किए। So he's written it himself also, all the dialogues. DDLJ के बाद ये उनकी वापस बड़ी फिल्म होने वाली थी तो I mean हम सब उस नरेशन के बाद इमोशनली चार्ज थे क्योंकि हर कैरेक्टर को उन्होंने ट्रू टू लाइफ बना दिया था सिर्फ अपने स्पीकिंग से। Yes. और फिर आपकी किस तरह की ट्रेनिंग हुई मोहब्बतें से पहले? आई डोंट थिंक कि किसी और फिल्म, किसी और डायरेक्टर के साथ अगर मैं फिल्म करती तो इस तरह की मुझे ट्रेनिंग मिलती है, इस तरह का बेस ट्रेनिंग ग्राउंड। पॉलिश भी करते हैं मतलब यशराज वाले अपने एक्टर्स को? कम्प्लीटली हर एक एस्पेक्ट में मुझे ट्रेनिंग मिली। चाहे, और मेरे लिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा डबल था क्योंकि मेरा रोल एक क्लासिकल डांसर का था तो ये एक ट्रेनिंग भी मुझे लेनी थी क्योंकि एक लड़की जिसने कभी डांस नहीं किया है लाइफ में, कोई भी डांस फॉर्म नहीं किया है, उसके लिए एक क्लासिकल डांसर का रोल निभाना एक यशराज फिल्म में बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन उन्होंने ये चैलेंज दिया मुझे और सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ। सो इट वॉज क्वाइट अ बिग कॉन्फिडेंस ऑन देयर पार्ट दैट दे शोड इन मी। तो ये तो एक ट्रेनिंग थी जो मुझे रोज़ हर सुबह इससे स्टार्ट करती थी, मेरा दिन इससे स्टार्ट होता था। जो मेरे मास्टर जी थे वो आते थे अपने तबला लेके और मुझे घुंघरू पहनाना सिखाया, कथक, भरतनाट्यम और फोक डांस उन्होंने मुझे सिखाया, मेनली कथक एंड लिटिल बिट ऑफ भरतनाट्यम एंड और तरुण मनसुखानी जो हैं अभी तक मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं क्योंकि रोज़ बेचारे मेरे घर आते थे वीडियो रिकॉर्डिंग करने और आदि को दिखाने की हर दिन कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। एवरी डे दैट वाज हिज जॉब, वो असिस्ट कर रहे थे उन्हें। सो ही यूज्ड टू कम एंड यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड शो आदि। उसके बाद हम ऑफिस जाते थे जहाँ पे हमें हिंदी डिक्शन विदुर सर के साथ जो काफ़ी पॉपुलर हैं, वॉइस थ्रोइंग लेसन्स, किस तरह से हिंदी हमारी इम्प्रूव हो, जो बम्बैया हिंदी हमारी हो कैसे इम्प्रूव हो, किस तरह से। फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग होती थी करण के साथ, टू एक हीरोइन की अदाएं कैसी होती हैं। अच्छा, करण जौहर ने आपको किस हिंदी फिल्मों के बारे में बताया, एक्ट्रेसेस के वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाए, पुराने गानों पर डांसेस सिखाए, यू नो, जस्ट टू मेक अस फ्री। उसके बाद वो वाले उसके बाद फिर बैरी जॉन को लंदन दिल्ली से लाया गया और 15-20 दिन हमने उनके अंडर ट्रेनिंग की। शाहरुख के वो रहे हैं गुरु। जी जी, उनके फॉर थिएटर काइंड ऑफ ट्रेनिंग, जो जस्ट टू लूज इन योरसेल्फ एंड किस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स परफॉर्म करोगे। और उसके बाद शाम को फाराह खान जी के साथ फिल्म डांस, अलग अलग गानों पर परफॉर्म करते थे हम, सीखते थे और फिर कैमरा के लिए परफॉर्म करते थे अलग अलग हिंदी फिल्म। सो द होल डे फॉर 1 year, आई थिंक फॉर 8 months आई वॉज ट्रेनिंग। 8 months के लिए ये ट्रेनिंग चली कंटिन्यूस। यस। और उसके बाद शूटिंग का डे जिस दिन आया तब आपको लगा प्रिपेयर्ड है या उस दिन ब्लैंक हो गई? आई थिंक वी वर सो प्रिपेयर्ड दैट हर एक इंसान को ये पता था कि उनका काम क्या है सेट पे, डायलॉग क्या है सेट पे। आदि हमेशा कहते थे कि आपके डायलॉग आपको इतनी अच्छी तरह आने चाहिए कि आप बैकवर्ड्स बोल सकें, क्योंकि उस टाइम पे आप फिर अपने एक्टिंग पर कंसंट्रेट कर सकते हो, ना कि आप अपने डायलॉग रिमेंबर कर रहे हो। ये बारीकियां आपने वहां से, तो इट वाज लाइक अ ट्रेनिंग स्कूल, मतलब आपके लिए ट्रेनिंग स्कूल। मुझे ना सिर्फ अपने डायलॉग पता थे, मुझे हर बाकी सीन में जो भी थे उनके डायलॉग पता थे मुझे। फर्स्ट दिन कौन सा सीन शूट हुआ, किसके साथ हुआ था वो? आई थिंक हमने पहले वो मॉल रोड का सेट बनाया था, फिल्म सिटी में शिमला का सेट था, तो छोटे छोटे सीन्स थे वहाँ पे और गाना भी शूट हुआ था। पैरों में बंधन वाला? नहीं, पैरों में बंधन तो बाद में शूट किया था हमने। चलते चलते के कुछ गाने के कुछ शॉट्स किए थे। तब तक फिल्म की हीरोइन बदल चुकी थी, काजोल की जगह ऐश्वर्या। इसकी क्या कहानी है? आई डोंट नो, वो हमें ज़्यादा पता नहीं चला कि चेंज हुआ, लेकिन वी वर वेरी हैप्पी टू सी ऐश। बहुत ही हमने उनके साथ पहली बार शूट स्विट्जरलैंड में ही की। नहीं, लंदन में पहली बार मिले हम उनसे। अच्छा। क्योंकि हमें थोड़ी सी शूट बाथ में थी लंदन में, और फिर बाद में स्विट्जरलैंड में गाने शूट किए। अच्छा। वो अपनी मम्मी के साथ आई हुई थी, एंड इनफैक्ट सारी हीरोइंस की मम्मियाँ थी। सो इट वाज अ वेरी गुड फन फीलिंग। वो सेट पर बहुत ही मज़ा आया। आउटडोर के जो शूट थे वहाँ पर बहुत ही मज़ा आया, कि शाम को हम सब बैठ के वर्ड गेम्स खेलते थे। आपको तो पता ही है कि शाहरुख बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं, और हारना अच्छा नहीं लगता उनको, और आदि भी बहुत कम्पिटिटिव है उनको। और ये स्टोरीज भी बहुत फेमस है कि हमेशा साथ में बैठ के वो गेम्स खेलते थे, और हारना कोई भी नहीं चाहता था। तो ये मतलब ट्रू है स्टोरीज की, हर रोज ट्रू है स्टोरीज। एंड वो टीम्स बनाते थे हम में से, और हम इतना डरते थे कि हम गलत जवाब देंगे तो अगर आप आदि के टीम में हो या शाहरुख की टीम में, तो दे वुड गेट सो एंग्री। सो तो एक फन माहौल रहता था सेट पर, और काम बहुत अच्छे से। अमिताभ बच्चन के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? शाहरुख और अमिताभ भी पहली बार काम कर रहे थे, तो मूवी का बस भी मार्केट में बहुत बन गया था। हाँ, वो बस तो बना हुआ था, बट दे वर वेरी यू नो विथ ईच अदर ऑल्सो एंड विथ अस ऑल्सो। आई मीन वेरी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, तो ऐसा तो कुछ पता नहीं लगा कि यू नो ये सब चीज़ें हम बहुत ही यहाँ दूर थे इन सब चीज़ों से, क्योंकि हम फिल्म में इतने इनग्रॉस थे कि फिल्म की बज़ क्या है या बाहर क्या बज़ चल रही है, ये सब इन सब चीज़ों में हमने ना ध्यान दिया, ना हमें पता ही था। हमें बस ये था हम सेट पर अपना काम कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अमित जी, पहली बात ही आपको ये पता लग जाती है कि उनकी लैंग्वेजेस पर कमांड इतनी ब्रिलियंट है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या जिस भी लैंग्वेज में वो कुछ बात करें, आपको ये पता लग जाता है कि उनकी कमांड उस लैंग्वेज पर इतनी अच्छी है। और अगेन उनका बैरिटोन, उनका थोड़ा तो उनके सामने इंसान नर्वस हो ही जाता है, बट ही इज़ I would say he's a brilliant human being because he looked after सबके साथ सेट पर बात करते थे, सबका ध्यान रखते थे, सबके बारे में पूछते थे, तो it was very nice। अमरीश जी के साथ भी आपके काफ़ी सीन्स हैं, उनके साथ का कैसा रहा आपका experience? अमरीश जी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरा। पेशेंट थे बहुत मेरे साथ, क्योंकि वो एक सीन था जहाँ पे वो सिंदूर पहुँचते और मुझे एक आंसू निकालना है उसी टाइम पे, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और वो he was very patient with me। to sit through that scene. लेकिन I was a little I wasn't that because I was a little away from because I was a little उनकी जो personality है वो काफी डरावनी है थोड़ी. So I didn't have that much interaction with him. तो कह सकते हैं वही आपका सबसे टफ सीन था या कोई और सीन था जो आपके लिए सबसे टफ रहा? वो टफ था. फिर 4-5 बार वो पैरों में बंधन के टाइम पे भागना पत्थरों पर नंगे पैर, वो थोड़ा मुश्किल था. अदरवाइज इतनी हम ट्रेनिंग कर चुके थे कि कोई भी सीन मुश्किल नहीं लगी. कोई भी डांस, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगी. आई थिंक जो मेरे लिए सबसे मुश्किल बात थी वो जो सीक्वेंस था, डांस सीक्वेंस जो कथक का, वो मेरा टर्निंग पॉइंट है फिल्म में और वो ही मेरे लिए सबसे मुश्किल बात थी. लेकिन बहुत ही गीता जो आजकल गीता माँ गीता फारा की असिस्टेंट थी और उन्होंने ही मुझे सिखाया. उन्होंने मेरे साथ मेहनत की इतने महीने, उन्होंने ही मुझे सिखाया सब कुछ. तो कह सकते हैं कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्ट्रेस आपने जो कुछ सीखा वो मोहब्बते के पहले ही सीखा, मोहब्बते से ही सीखा कंप्लीटली. बिल्कुल बिल्कुल. और बाकी एक्टर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बीट किम, शमिता एंड उदय, जुगल हंसराज. सो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड रिलेशनशिप टिल डेट विद मोस्ट ऑफ देम. किम ऑफ कोर्स इज अ वेरी डियर फ्रेंड. इवन शमिता, जुगल, जिमी, हम या हम मिलते हैं अभी भी तो इट्स लाइक एक स्पेशल बॉन्ड है. जिमी से ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि जिमी और शमिता, क्योंकि हम फिर भी बॉम्बे में ही रहते हैं. जुगल इज शिफ्टेड अब्रॉड. उदय आई थिंक आजकल ज़्यादा बाहर नहीं आते तो उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं होती. मतलब अभी भी वो 6 लोगों का ग्रुप टच में है काइंड ऑफ? या वी आर बट नॉट सो मच नाउ. जब आप ये फिल्म कर रहे थे तब आपको लगा था कि बहुत बड़ी होगी या क्या होने वाला है इसके बाद? कुछ सोचा था? क्योंकि फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में चली जाती है, तब तक वो वक्त कैसे निकला? उस दौरान क्या किया था आपने? पता ही नहीं चला रियली. मैंने उसके बाद बहुत सारी ऑलमोस्ट 10 to 15 फिल्में साइन की लगातार. लेकिन काफ़ी फिल्में आई डोंट नो क्या दौर चल रहा था फिल्म इंडस्ट्री की, काफ़ी फिल्में टेक ऑफ नहीं हुई, काफ़ी फिल्में हुई नहीं. तो लेकिन पहली फिल्म जो मेरी रिलीज़ हुई उसके बाद थी वो आवारा पागल दीवाना थी. हाँ, काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद हुई थी. और तब रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि आपको कुछ फिजिकल इशू हो गया था या ब्लोटेड फेस या इस तरह की खबरें मीडिया में थी. जो अभी भी मैंने आपके बारे में जब रिसर्च की तो इंटरनेट पर इस तरह की खबरें हैं. क्या हुआ था एग्जैक्टली? दैट्स ट्रू. मैं थोड़े टाइम के लिए बीमार हो गई थी इमीडिएटली आफ्टर मोहब्बतें. और मैं काफ़ी मेडिसिन ले रही थी जिसकी वजह से मेरा फेस ब्लोट हो गया था. लेकिन अगेन क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं थी, मैंने इतना उसको कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की जो करना शायद चाहिए था. मैं बहुत फ्रैंक भी थी इन सब चीज़ों के बारे में. सो आई डिडंट. लेकिन हाँ, तो थोड़ा कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से मेडिसिन की वजह से मेरा फेस काफ़ी राउंड हो गया था. तो थोड़े आवारा पागल दीवाना के सीन्स में आपको वो राउंड फेस नज़र आता है. बट आई वॉज ओके वेरी सून आफ्टर दैट. तो उसके बाद मैंने काफ़ी फिल्में की मोहब्बतें के बाद. आवारा पागल दीवाना, गोविंदा जी के साथ बात तेरा क्या कहना, सुख, अनर्थान, चेहरा. आपको यादें भी ऑफर हुई थी सुभाष घई की? नहीं, मतलब वो खबरें हैं कि आप सुभाष घई के साथ कोई तो प्रोजेक्ट करने वाले थे और एक जगह मैंने पढ़ा भी कि आपको भी ऑफर हुई थी बट आई थिंक आप कॉन्ट्रैक्ट में थे यशराज के साथ तो कर नहीं पाए थे. You're right, काफ़ी फिल्में. देखिए इन सब फिल्मों के बारे में बात करके यहाँ ना अच्छा भी नहीं लगता कि वो मुझे हुई थी या बहुत सारी फिल्में थी. मैं यही कहूँगी मोहब्बतें के बाद कुछ मैं साइन नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ऑलरेडी बैक थे मेरे डेट्स. और वो फिल्में टेक ऑफ हुई और जो मैंने साइन की वो नहीं टेक ऑफ हुई. लाइक आई वुड से कि बहुत सारे मेरे पास क्योंकि ना मैं फिल्मों से थी, ना मेरे पास एक मैनेजर था, ना. सो इट वाज हिट्स एंड मिसेस. एंड काफ़ी फिल्में ऑफर हुई, मैं काफ़ी फिल्म मेकर्स के साथ मैं बड़े फिल्म मेकर्स के साथ मैं इन टॉक्स में भी थी। महेश वाजेकर और पहलाज नलानी का भी नाम है उसमें। जी, पहलाज जी की मैंने दो फिल्में साइन की थी, वन वाज विद फरदीन खान एंड वन वाज अनदर फिल्म आल्सो, और वो एक दो दिन शूट भी हुई थी। अगेन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो फिर टेक ऑफ नहीं हुई। आवारा पागल दीवाना आपने की, फिल्म भी बहुत अच्छी चली और उसमें भी आप अक्षय की एक्स वाइफ थी। पहली फिल्म में आप एक विडो थी, सेकंड में एक्स वाइफ, आगे चल के एलओसी में भी आप एक ऐसी गर्लफ्रेंड का किरदार जिसका बॉयफ्रेंड दूर है, तो आपको हर बार इस तरह के रोल्स मतलब क्यों? हाँ, तो दैट वाज देयर, ये सच बात है, ये ट्रेजेडी मतलब रही। हाँ, कि और एक बार सुनील शेट्टी ने मुझसे कहा भी था कि यार मैं स्क्रीन पर देखता हूँ तो रोते ही रहते हो, व्हाई यू ऑलवेज क्राइंग ऑन स्क्रीन। आई सेड वेल, ये रोल्स ही ऐसे मिलते हैं हमेशा। सो हाँ, ऐसा हो उस टाइम पर इनफैक्ट ज़्यादा होता था कि एक एक्टर को उसी उसमें टाइपकास्ट किया जाता था और वही रोल्स ज़्यादा मिलते थे। और मैंने ऐसे काफ़ी लाइक आई सेड चेंज करने की कोशिश भी नहीं की। आपके बारे में मतलब मीडिया में भी काफ़ी लिखा गया, गर्ल नेक्स्ट डोर या ये इंडियन क्लोथ्स वाले इंडियन रोल्स ही, तो वो भी बहुत आपकी इस तरह की इमेज बनाने की कोशिश की। हाँ, आई डोंट, या इट्स ट्रू कि ऐसी इमेज बन गई और मैं एक्चुअली उससे बहुत ही दूर थी मेरी इमेज, क्योंकि मैं बहुत ही टुडे की टुडेज गर्ल थी उस टाइम के लिए। बट अगेन यू नो, ये सब चीज़ें हाइंडसाइट में हम सोचते हैं, देखते हैं अच्छा ऐसा हो रहा था, ऐसी इमेज बन रही थी। और आजकल के पीआर के टाइम में और जब एक्टर्स अपनी इमेज बनाते हैं सोशल मीडिया पे, आप पर्सनल लाइफ में क्या है वो डाल सकते हैं। हाँ, और सोशल मीडिया से आप कह सकते हैं। उस टाइम हमारी थॉट भी इतना नहीं था और इतना रीच भी नहीं थी कि हम आजकल एक्टर्स अपनी इमेज क्रिएट करते हैं, चाहे वो एक इंडियन इमेज क्रिएट करना चाहते हैं या एक हॉट इमेज क्रिएट करना चाहते हैं या एक सर्टेन इमेज। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस नाउ व्हिच वर नॉट देयर एट दैट टाइम। सो हम इतना ना कुछ सोचते थे इन सब चीज़ों के बारे में, ना अपनी करियर को इस तरह प्लान करते थे। वो धीरे धीरे इस यू नो धीरे धीरे ये सब चेंजेस आए हैं। सो दैट्स वाई मैंने इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया। और मैं आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं फिल्में नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली काम कर रही थी। टिल द एज ऑफ 30 आई वॉज लिविंग आउट ऑफ सूट केसेस, साउथ फिल्म, हिंदी फिल्म, साउथ फिल्म, कंटिन्यूसली आई वॉज वर्किंग। सो लोग बोलते कि वो मोहब्बतें के बाद आपने इतनी फिल्में नहीं की जितनी करनी थी। आई सर आई डोंट नो नहीं की बिकॉज आई वॉज वर्किंग, सो आई डोंट नो। फिल्में की बट वो फिल्में या तो राइट ऑडियंस को नहीं पहुंची, राइट टाइम पे नहीं पहुंची, या लॉट ऑफ देम डिडंट डू वेल। यस, लाइक आई सेड कि हर इंसान की अपनी जर्नी होती है। अक्षय के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ही इज फैबुलस, प्रैंकस्टर हैं सेट पर। आपके साथ कोई बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रैंक्स खेले हैं उन्होंने, घड़ियां बहुत चुराई हैं। अच्छा, अब हाथ शेक करते हैं, उनका घड़ी चुरा लेते हैं। रियली? या ये नहीं पता था आपको? बहुत नहीं सुना है, मतलब क्या वाकई में? या ही इज वेरी, हाथ की सफाई आती है उनको बहुत। हमने गुड्डी मारुति का भी इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया था कि अक्षय अगर एक्टर नहीं होते तो वो पिक पॉकेटर होते, वो चोर होते, हो सकते थे। हो सकते थे, चाहते थे। लेकिन आई वुड से उस सेट पर सबसे जो मजाकिया या सबसे इंटरेस्टिंग इंसान थे वो जॉनी लीवर थे। अच्छा, बिकॉज वो जब रहते थे सेट पर तो आप कभी बिना हंसे रह नहीं सकते। हाँ। और बहुत बिवेयर रहना पड़ता है उनसे, क्योंकि वो अगर आपका बैक टर्न हुआ वो आपके पीछे आपकी नकल कर ही रहे होंगे। अच्छा, हर एक्टर की नकल की है, हर असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर की नकल की हुई है उन्होंने। क्या बात है। आवारा पागल दीवाने का सीक्वल भी बना था, दीवाने हुए पागल। क्या तब आपको ये फिल्म ऑफर नहीं हुई थी? जी जी नहीं, उस टाइम ऑफर नहीं हुई थी। हालांकि फिरोज नाडियाडवाला जी के साथ मैंने एक दूसरी फिल्म भी की थी आवारा पागल दीवाना के बाद। आई डिड आन विथ हिम, जो मधुर भंडारकर ने डायरेक्ट की थी। तो मेरे रिलेशन उनके साथ हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। वो भी बहुत ही अच्छी फैमिली है, नाडियाडवाला फैमिली। तो बट उस फिल्म में बिल्कुल अलग सर्कमस्टांसेस थे, दे वांटेड डिफरेंट एक्टर्स। और गोविंदा के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? वाह तेरा क्या कहना है? सम ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस विद गोविंदा, लर्निंग डांस स्टेप्स, हाउ, और वो भी स्विट्जरलैंड पे बिना ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था मोहब्बतें से, जहाँ पे फुल ट्रेनिंग करके हमें भेजा गया था। यहाँ पे ज़ीरो ट्रेनिंग के साथ बैंग आप सेट पर हो और आपको गोविंदा के साथ मैच करने हैं स्टेप्स। तो दूसरी एक्ट्रेस रवीना टंडन थी जिनकी आपस में ऑलरेडी ट्यूनिंग बहुत शानदार है, उनकी केमिस्ट्री फैंटास्टिक थी। ऑलरेडी बहुत फिल्में कर चुके थे साथ में, तो आई वाज द न्यू वन एंड ऑड वन आउट। लेकिन बहुत ही अच्छा रहा दोनों रवीना और गोविंदा के साथ। बहुत ही दे वर वेरी हेल्पफुल एंड स्टोरी ऐसी थी कि ये यंग नई लड़की है, ये वो स्टोरी ऐसी थी, सो इट वर्कड वेल एंड गाने फैंटास्टिक थे एंड आई मैनेज्ड। इनफैक्ट एक सीन था, दो सीन थे स्विट्जरलैंड में जहाँ गोविंदा चाह रहे थे कि हम एक टेक में करें। सर कॉमिक सीन में आपके साथ एक टेक में कैसे होगा? उन्होंने कहा नहीं रिहर्सल करके करके हो जाएगा। सो ऑन द सेट देयर स्विट्जरलैंड में हमने रिहर्सल करके हमने एक टेक में दो सीन्स हैं। अगर आप देखेंगे आप वन टेक में मैनेज किया, मैं देखना चाहूंगी एक्चुअली भी फिर से कि कैसा किया मैंने, क्या किया अभी याद नहीं है। सुख की अगर बात करें तो गोविंदा उसके एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। उनके भाई कृति कुमार जो है उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, लेकिन फिल्म इतनी चल नहीं पाई और गोविंदा ने तो कह दिया कि मैं इसके बाद कोई फिल्म प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा। इनफैक्ट उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी फिल्म उसके बाद प्रोड्यूस नहीं की। आई फील वेरी बैड अबाउट सुख। हमने बहुत टाइम लगी बनने में, हमने शूट किया, रीशूट किया, बहुत सारे आई थिंक काफ़ी पैसे भी लगे, काफ़ी मैन पावर लगा उस फिल्म में। बहुत बार शूट किया, बहुत बार रीशूट किया और उसके गाने बहुत ही सुंदर थे और बहुत पैशन से हमने वो गाने शूट किए थे, डायरेक्ट किए थे। अभी भी मुझे वो गाने बहुत याद हैं और उनकी कोरियोग्राफी, उनका everything about those is beautiful. फिल्म की premise जो थी वो भी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज़ ठीक से नहीं हो पाई। फिल्म बिल्कुल ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाई। प्रमोशन के वे में या किस वे में? In promotions also and I think it didn't release in so many theaters. Screens नहीं मिल पाई। Yeah, but हम उस बात में involved नहीं थे तो नहीं पता हमें। और गोविंदा तब बहुत comeback भी देख रहे थे because वो politics से फिर से आ रहे थे industry में। जी and मैं समझ सकती हूँ कि क्यों उसके बाद उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस नहीं की, क्योंकि उस फिल्म ने बहुत ups and downs देखे, शूटिंग के दौरान भी और बाद में भी। मतलब गोविंदा as an actor ठीक है, लेकिन वो प्रोड्यूसर ना ही बने तो अच्छे। ऐसी बात नहीं है, अगेन आई वुड से कि लक की बात है। और हर आदमी एक बिजनेस में, बिजनेस का माइंडसेट नहीं होता हर आदमी का। ही इज एन एक्टर एंड ही इज फैबुलस एक्टर। इनफैक्ट इस फिल्म के बाद गोविंदा ने एक मीडिया में स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के बाद मतलब उनका बंगलो बिकने पर आ गया था। ऐसा झटका दिया था इस फिल्म ने उन्हें। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्टोरी, मुझे इस कहानी की सच्चाई पता नहीं है। शायद हो भी सकता है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उस फिल्म में हमने सब ने बहुत मेहनत की थी और ये भी पता है कि बहुत बार रीशूट भी हुई थी। सो देयर मस्ट हैव बीन बिग लॉसेस इन दैट फिल्म। आपने बाज़ फिल्म भी की थी और मल्टी स्टार कास्ट वाली ये फिल्म थी। आप मोहब्बतें से आई थी, साउथ में जब आप काम कर रही थी तब आप लीड एक्ट्रेस वाले रोल्स कर रही थी, अब मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्में आप कर रही थी। आपने मतलब सोचा नहीं कि यार मुझे लीड एक्ट्रेस वाले ही करने चाहिए? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि मल्टी स्टार कास्ट तो थी लेकिन हर कैरेक्टर का बहुत ही डिफाइंड रोल था। और कोई लीड या सेकंड लीड टाइप की बात नहीं थी उसमें। आई वाज प्लेइंग अ कॉप और मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा था। इनफैक्ट विक्टोरिया 203 में भी मैंने वो रोल इसलिए किया क्योंकि आई सेड इट्स सो एक्साइटिंग फॉर मी टू प्ले लाइक अ नेगेटिव रोल। तो क्योंकि एक डिफरेंट रोल था और मैं डिफरेंट रोल करना चाहती थी। और टीनू वर्मा जी ने मुझे काफ़ी इनकरेज भी किया, बहुत ट्रेन किया उन्होंने टू लुक लाइक अ कॉप एंड टू फील लाइक अ कॉप। और वो फाइट सीन्स और इनफैक्ट एक बार बीच पर भी ले गए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी इफ यू हैव टू प्ले अ कॉप एंड दिस। तो करण जौहर ने जो आपके अंदर हीरोइंस घुसाई थी वो टीनू वर्मा ने सारी निकाल दी। वो बीच पर ले गए सुबह 6-7 बजे ट्रेनिंग के लिए। आई डोंट नो, मेरी मम्मी ने केले वेले खिला के भेजे थे। मैंने वहाँ पे ही, आई एम सॉरी नॉट टू सी ऑन कैमरा बट आई वाज उल्टियाँ हो रही थी वहीं पे क्योंकि इतना ट्रेनिंग करवा रहे थे। सो या और जब आप विक्टोरिया ये अलग रोल्स कर रही थी, डेफिनेटली आप अपनी इमेज चेंज करने के लिए, बट डिड इट वर्क फॉर यू? नो, आई वाज नॉट ट्राइंग टू चेंज माय इमेज, आई जस्ट डिड द रोल बिकॉज आई लाइक द रोल, थोड़ा डिफरेंट, या इट वाज अ गुड एंड डिफरेंट एंड विकेड काइंड ऑफ रोल, सो आई लाइक इट। अगेन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने कभी अपनी इमेज चेंज, ये मुझे लगा ही नहीं कि मेरी इमेज बन रही है या बन गई है, मैंने अपनी कभी इमेज चेंज करने की कोशिश नहीं की। जिस तरह के जो फिल्म में मुझे ऑफर की गई, मैंने उनसे चूज़ किया कि मुझे कौन सी अच्छी लगी, कौन सी नहीं। सो जो मुझे अच्छी लगी, जिन लोगों के साथ मुझे काम करना अच्छा लगा, मैंने वो फिल्में की। LOC में भी आपने काम किया और अक्षय खन्ना ने आपके बॉयफ्रेंड का रोल किया था, कैसा एक्सपीरियंस था? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अक्षय खन्ना, आई थिंक ही इज़, मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत कम शूट किया हमने उनके साथ, बहुत कम इंटरेक्शन था, लेकिन मुझे बहुत ही वेल स्पोकन, वेल रेड, बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। आन मैन एट वर्क, वो फिल्म भी कैसा रहा उसका भी? मधुर इज स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और सेम ये सेट मेरे लिए कंफर्टेबल था क्योंकि फिरोज नाडियाडवाला की प्रोडक्शन थी, सुनील के साथ मैं ऑलरेडी काफ़ी फिल्में कर चुकी थी, तो मेरे लिए काफ़ी सेट पर कंफर्टेबल था। यस, एंड देन यू डिड अ फिल्म चाहत, जिसकी काफ़ी हर जगह चर्चा हुई कि मतलब क्या उस फिल्म में ज़्यादा कुछ जिस तरह से चर्चा हुई ऐसा कुछ था नहीं उस फिल्म में। और अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक एक्टर इतना कुछ सोचता नहीं है कि किस तरह से, लेकिन जिस तरह से फिल्म की पब्लिसिटी होती है वो एक्टर के हाथ में नहीं होता। तो वो फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी और उसमें स्टोरी अच्छी थी और अच्छी तरह से डायरेक्ट भी किया गया था, लेकिन जिस तरह से उस फिल्म को पब्लिसाइज किया था, किया गया था एज अ रॉन्ची काइंड ऑफ फिल्म, इट वाज़न्ट दैट फिल्म। और उस वजह से आई थिंक वो चली भी नहीं। अगर उसे एक नॉर्मल फिल्म की तरह पब्लिसाइज किया गया होता तो शायद ऑडियंसेस को अपील भी होता। अगेन उस फिल्म में गाने बहुत अच्छे थे, बहुत ही रॉक स्टार का, आई थिंक पॉप स्टार का रोल प्ले करना था जी। एंड मनीषा कोइराला वाज देयर विद मी एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट वाज स्टोरी लाइन तो बहुत अच्छी है। एंड आई मीन उस आजकल तो अगर आप देखें तो दैट फिल्म इज या, बट देयर वाज नो, आई मीन कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम्स नहीं थे या कुछ ऐसे सीन्स नहीं थे कि आपको शॉक करें, बट उस तरह से शायद प्रमोट किया गया था। एंड ऑडियंसेस डिडंट लाइक मी इन दैट रोल, दे डिडंट वांट मी टू प्ले सच अ रोल। बिना कुछ के भी आपके इतने फैंस हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मे बी उनको वो लगा होगा गेट सैक्स ऑफ हेट में आपने ऐसा रोल क्यों किया आदर्श वो इमेज बन गई थी आपकी। बिल्कुल, सो पीपल डिडंट लाइक दैट, ऑल्दो देयर वाज नथिंग मच इन द फिल्म, उस तरह से पब्लिसाइज किया गया था। वन ऑफ द इंटरव्यूज में आपने भी कोट किया कि मेरी गलती थी कि चाहत मैंने की, गलत स्टेटमेंट है वो मैंने स्टेटमेंट बनाया हो कहा होगा, लेकिन गलती नहीं थी, एक अच्छा चॉइस था। आई वुड से इट वाज अ गुड फिल्म। गलती आई थिंक उन लोगों की थी जिन्होंने इसे प्रमोट या पब्लिसाइज किया, थिंकिंग कि ये फिल्म ज़्यादा चलेगी। लेकिन वो गलत बात थी। फिल्मों का सीन चल रहा था और सेम टाइम पर अचानक से प्रीति झांगियानी की खबर आती है कि वो शादी कर लेती है। कैसे आपकी लव स्टोरी शुरू हुई? इंस्टिंक्टिव डिसीजन था ना, ऐसा कोई थॉट आउट डिसीजन नहीं था। मैं काफ़ी सालों से काम कर भी रही थी और जब मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी ज़िंदगी इनके साथ बिता सकती हूँ या मैं सेटल डाउन हो सकती हूँ इनके साथ, तो आई वॉज हैप्पी टू गेट मैरिड। आई थिंक एक पार्टी में पहली बार आपकी मुलाकात हुई थी परवीन जी से, डब्बू रत्नानी, डब्बू की शादी में, डब्बू रत्नानी जी की शादी थी, हाँ वहाँ पे पार्टी में मुलाकात हुई थी। और कितने टाइम तक रिलेशन रहा? और फिर हमने एक फिल्म, उसके बाद काफ़ी साल तक मिले नहीं, फिर एक हमने फिल्म की साथ में, विद लव तुम्हारा। उस फिल्म के प्रमोशन के दौरान वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर एंड देन वी सॉ ईच अदर फॉर अबाउट 2 years बिफोर वी गॉट मैरिड। अगेन ये फिल्म नहीं चली, ये फिल्म सिर्फ 4 थिएटर में रिलीज हुई थी, लेकिन आपकी शादी की, बट दैट वाज अगेन बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी थी वो। प्रमोट अगेन प्रमोशन, फिल्म रिलीज, उस टाइम काफी फिल्मों के साथ ये हुआ था। और फिर शादी के बाद आपने फिल्में थोड़ी कम करनी शुरू कर दी, लाइक ब्रेक लगा दिया? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने काफ़ी फिल्में, इनफैक्ट शादी के 2 दिन बाद भी मैं 2 महीने के लिए यूएस चली गई थी फॉर अ शो विद उदित नारायण और उनकी ट्रूप के साथ। हाँ, तो मैं 2 महीने पूरे यूएस में टूर की। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने स्लो डाउन किया अपना काम या स्लो डाउन करना चाह रही थी, ये बिल्कुल सच नहीं। मैंने काफ़ी फिल्में की उसके बाद भी। देन ऑफ कोर्स आई गिव बर्थ टू 2 चिल्ड्रन, तो उस टाइम तो थोड़ा ब्रेक हो ही जाता है। और मैं चाहती थी कि मैं उस टाइम जो मेरे बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स हैं, मैं बाद में हमेशा रिग्रेट करती कि मैं अपने ग्रोइंग ईयर्स, इनके ग्रोइंग ईयर्स में उनके साथ नहीं थी, इसलिए मैं वो रिग्रेट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उन्हें भी काफ़ी टाइम दिया उसके बाद। और फिर हमने अपनी कंपनी भी बहुत ही जल्दी चालू कर ली। अपनी कंपनी के बारे में बताइए, क्या करती है आपकी कंपनी, किन किन से जुड़े हुए हैं आप? मेरे हस्बैंड परवीन डबास के साथ जॉइंट वेंचर है स्वेन एंटरटेनमेंट। हमने पहले स्टार्ट किया था मेनली एज अ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, क्योंकि हम फिल्में बनाना चाहते थे। लेकिन फिल्मों के साथ हमने बहुत सारी एड फिल्म्स भी बनाई और हमने सही धंधे गलत बंदे हमारी पहली फिल्म थी। उसके बाद हमने काफ़ी कुछ एड फिल्म्स और इवेंट्स प्रोड्यूस किए। और फिर हमने ब्रांच आउट किया एक डिजिटल सेक्शन में जो स्वेन कम्युनिटीज़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें काफ़ी वेबसाइट्स हैं हमारी। दी MMA इंडिया शो जो MMA पे नंबर 1 वेबसाइट है इंडिया का, अगर आप सर्च करें तो। और उसके बाद द स्पोर्ट्स इंडिया शो, द फिटनेस इंडिया शो, स्पोर्ट्स रूम, ये सब हमारी स्पोर्ट्स इवेंट्स और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। यस, इट्स स्पोर्ट्स रिलेटेड वेबसाइट्स। एंड फिर हमारा लेटेस्ट तो नहीं कह सकेंगे, काफ़ी साल से हम काम कर रहे हैं, पंजा स्पोर्ट्स, जो द प्रो पंजा लीग के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज हर स्पोर्ट को इतना किया जाता है, बट पंजा लड़ाना जो हम स्कूल से बचपन से करते हैं, उसके लिए कोई इस तरह का प्रोफेशनल इवेंट नहीं हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि सभी जानते हैं ये स्पोर्ट क्या है। तो पोटेंशियल इस स्पोर्ट का लोग ये नहीं जानते थे कि ये प्रोफेशनली काफ़ी सालों से खेला जाता है इंडिया में ऑन एन एमेच्योर लेवल। लेकिन इस स्पोर्ट का एक प्रोफेशनल जो फॉर्म है वो कभी नहीं किया गया था। एंड आई वुड से अब सोनी स्पोर्ट्स पर पहली बार जो एयर हुआ है इस साल, उसके बाद वी आर नोन एज द नंबर 1 प्रोफेशनल आर्म रेस्लिंग लीग इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट हम काफ़ी बार टीम इंडिया को ले चुके हैं विद द फेडरेशन पैफी, पीपल्स आर्म रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी प्रेजिडेंट मैं हूँ। और हम टीम इंडिया को एशियन चैम्पियनशिप के लिए ले गए हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ले गए हैं, और हाल ही में हम इसे एशियन कप के लिए भी ले गए थे। क्या बात है। और आपने फिल्में भी धीरे धीरे शुरू की। आपने एक राजस्थानी फिल्म की है, मैं जब रिसर्च करी थी मैंने वो देखा, बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान, तावड़ो गया। हाँ, तावड़ो। कैसे, मतलब ये कहानी पसंद आई और कैसे डिसाइड किया कि राजस्थानी फिल्म की जाए? ये फिल्म मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे कहानी बहुत पसंद आई। अब भी छोटे शहरों में, छोटे गाँव में जात पात को लेकर काफ़ी टॉर्चर किया जाता है लोगों को। तो मैं चाह रही थी कि इस फिल्म पर मैं इस सब्जेक्ट पर मैं हमेशा चाह रही थी कि मैं एक फ़िल्म करूं, क्योंकि आज के टाइम पर इतनी एजुकेशन के बाद भी ये होना, स्पेशली राजस्थान के इंटीरियर्स में, इज़ अ वेरी वेरी सैड एंड वेरी, दिस इज़ समथिंग that should be eradicated from our society, हमारे सोसाइटी से निकाल दिया जाना चाहिए। तो उस पर बेस्ड थी फिल्म। मुझे बहुत अच्छी लगी थी कहानी, इसलिए मैंने ये फिल्म। आपको अवार्ड भी मिला उस जी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला और बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला तारों को। वेरी नाइस। और अभी आपने वेब सीरीज़ की काफिस, और वो भी बहुत पसंद की गई कहानी, बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी थी। आप एक सुपरस्टार की वाइफ का रोल निभाती नजर आई थी। और किस तरह के रोल्स अभी आप कर रही हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके आने वाले? एक और फिल्म अब रिलीज़ होगी जिसका नाम है महापौर, जिसमें मैं मेयर का किरदार निभा रही हूँ। वो लखनऊ में शूट हुई थी। कम्प्लीट है फिल्म, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज डेट नाउ। अगेन बहुत ही मेरे लिए अलग किस्म का रोल है। I would say partly grey shades वाला रोल है, almost leaning on black। क्या बात है। प्रीति जी, मेरा इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा अगर मैं आपसे ये ना पूछूं कि अगर मोहब्बतें 2 आती है तो आप किसे देखना चाहेंगी? स्टारकास्ट क्या होनी चाहिए? गुरु, प्रिंसिपल कौन होना चाहिए? टीचर कौन होना चाहिए? वेरी डिफिकल्ट, यू कांट सी एनीबडी एल्स। अमिताभ बच्चन जी अभी तक वही रोल प्ले कर सकते हैं। Shah Rukh can still play his role. You can play. Jimmy Shergill can play. Everyone can play. मुझे ऐसा लगता है कि फिर से इसी स्टारकास्ट को लेकर बनाने चाहिए. You're right. I don't think you can change. मोहब्बतें से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? टफ क्वेश्चन. सारे गाने मेरे बहुत फेवरेट, लेकिन ऑफ कोर्स आई वुड से पैरों में बंधन, क्योंकि उस फिल्म पे जिस तरह मेरे कैरेक्टर को शूट किया गया था वो बहुत सुंदर था, तो आई वुड से पैरों में बंधन. और ये सॉन्ग इतना कलरफुल था सॉन्ग, सो आई लाइक दैट. हर शादी में हर लड़की को ये गाने पे परफॉर्म करना ही है. जी बिल्कुल. प्रीति जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इतिहास गवाएगी जितने भी बड़े एक्टर्स आए हैं उनके साथ कोई ना कोई फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए कंट्रोवर्सी हुई है, उनके बारे में कुछ गॉसिप्स रूमर्स पहले ही हैं. आप अभी तक किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी, कैसे? ऐसा तो नहीं है, काफ़ी कुछ रूमर्स आए हुए हैं, काफ़ी आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, लेकिन आई हैव ऑलवेज बिन वेरी ऑनेस्ट इन माई लाइफ. और जब मुझे शादी करनी थी तो मैंने की, जब मुझे प्यार हुआ मुझे हुआ तो मैंने कभी छुपाने की कोशिश नहीं की. सो आई वुड से इसी वजह से शायद, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट रही हूँ, दैट्स व्हाई आई कांट से. और फिल्म इंडस्ट्री तब में और अब में कितना चेंजेस आप? नहीं, बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, एंड फॉर द बेटर. मुझे लगता है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके में अब फिल्में शूट होती हैं, कम टाइम में कम वेस्टेज के साथ फिल्में शूट होती हैं, तो बहुत चेंजेस आए हुए हैं इन हर फील्ड. जैसे कि मैंने कहा उस टाइम ना मैनेजर्स थे ना एजेंसीज, एवरीथिंग इज़ देयर नाउ. और एक एक्टर अभी कह नहीं सकता कि मुझे मेरे साथ गलत हुआ या गलत होने वाला, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ एक एक्टर या एक टेक्नीशियंस बाहर आकर बोल सकता है और कंट्रोवर्सीज क्लियर कर सकता है. और सो अलग प्रॉब्लम्स आ चुके हैं अभी. सो आई वुड से इट्स बट इट्स ओवरऑल अ मच बेटर टाइम, मच बेटर टू बी इन द इंडस्ट्री और ऑन इन द ओटीटी प्लेटफॉर्म स्पेस. जिस वक्त आप इंडस्ट्री में आई थी तब बॉलीवुड इंडस्ट्री में भर के स्टार किड्स आए थे, मतलब हर तरफ से आए थे. आपकी फिल्म में भी थे, इधर करीना, ऋतिक रोशन, एवरीवन. तो क्या आपको इनसिक्योरिटी कभी कुछ ऐसा लगा कि मतलब हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव, मतलब ये लोग तो अपने ही लोगों को करेंगे? नहीं, नॉट एट ऑल. देयर वाज नो देयर वाज नो इनसिक्योरिटी. आई वुड से मेरी कहानी थोड़ी अलग होगी दूसरे एक्टर से, क्योंकि मैं बॉम्बे से ही थी. मेरे पास ऑलवेज एक कम्फर्ट जोन था, और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली बहुत काफ़ी बड़ी फैमिली पूरी बांद्रा में बॉम्बे में रहती थी हमेशा. सो ऑलवेज आई हैड अ कंफर्ट जोन, और एक फैक्टर था जहाँ मैं हमेशा घर जा सकती हूँ, या मैं बॉम्बे से बाहर आकर मुझे ना अपना रेंट देना था, ना मुझे अपने खाने पीने की फ़िक्र करनी थी, जो काफ़ी एक्टर्स को करनी होती है जो बॉम्बे से नहीं होते हैं. सो आई वुड से बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज अ लिटिल लेड बैक एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी कम्फर्टेबल इन माई स्पेस. और मुझे कुछ ज़्यादा ओवर और नहीं लगा, या कुछ अंडर और भी नहीं लगा. कभी ऐसा हुआ किसी स्टार किड से आपको रिप्लेस कर दिया गया हो, या अनप्रोफेशनल तरीके से फिल्म आपके हाथ से गई हो बिना आपको बताए? जी हुआ भी है, काफ़ी टाइम हुआ है, मैनी टाइम, couple of times, not many. You would times. Like to name some? No point naming those films now. But हुआ है, और सबके साथ हुआ है. मैं इन चीज़ों से बिटर नहीं होती, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कोई और एक्टर था उस फिल्म में. तो यू नो मैं नहीं चाहूँगी कि वो एक्टर मुझे ब्लेम करे, क्योंकि वो मेरी नॉलेज के बगैर हुआ था. सो अगर कोई फिल्म नहीं कर रहा है तो कोई और रिप्लेस तो करेगा ही उस एक्टर को. सो आई डोंट फील उस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म के लिए ही सोचकर कुछ किया है. ऑफ कोर्स, सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द बिजनेस. एक और चीज़ कि आप जब तक आए थे तब तक फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस सब नेचुरल जो लुक था उसी में रहती थी, लेकिन उसके बाद से एक अलग ही ट्रेंड शुरू हो गया, किसी ने लिप जॉब, नोज जॉब. इस पर आपका क्या कहना है? टू ईच इज ओन. अगर कोई करना चाहे, उनकी फेस है, उनकी बॉडी है, तो दैट्स देयर चॉइस. और आजकल चॉइसेस बहुत हैं, अगर आप तो चेंजेस कर सकते हैं अपने आप में, तो व्हाई नॉट. बट मुझे थोड़ा डर ही लगता है, क्योंकि जो मैंने देखा है मुझे लगता है कि इंसान का फेस चेंज हो जाता है और थोड़ा कुछ आर्टिफिशियल लगने लगता है, कोई नेचुरल नहीं लगता. जो बोटॉक्स हैं या लिप फिलर्स हैं, जो मुझे लगता है कि इंसान के फेस पर नेचुरल नहीं लगते, और एक इंसान का फेस चेंज ही हो जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है. So I would want to stay away. क्या आपको कभी किसी ने बोला कि आपका ये ऐसा है? नहीं, luckily, thankfully, nobody ever told me that. But I've heard many stories of many actresses कि जिनको लोगों ने कहा कि आप nose change कर लो, थोड़ा सा ये ऐसे कर लेते तो ठीक होता. But I think this is all. जो natural face है, I think that is the best. In fact, मेरे hair हमेशा काफी thin होते थे. Always baby hair होते मेरे जब से मैं छोटी थी. और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि आप बड़े बड़े, काफ़ी फिल्मों में मुझे बड़े बड़े विग्स पहनाते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कुछ अलग ही लग रही हूँ. बात यू नो लेटर ऑन आई सेड लीव ऑल दिस, मुझे नहीं पहनने ये सब बड़े बड़े. यू नो जो नेचुरल जो आपका लुक है वो हमेशा आपके ऊपर बेस्ट लगता है. फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए, हमारा ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं लोग, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि किसी, डोंट लेट एनीबडी से कि आप अपने ड्रीम्स नहीं फुलफिल कर सकते. ये एक नंबर वन चीज़ है. मेहनत से सब कुछ हो सकता है. ये एक आसान इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं. लेकिन हमेशा ये याद रखना, अपने फैमिली से, लव्ड वन से झगड़ के नहीं आना. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव योर सपोर्ट बिहाइंड यू, बिकॉज इट्स एन अनप्रडिक्टेबल इंडस्ट्री. बट गो फॉर योर ड्रीम्स एंड वर्क हार्ड. Nothing is impossible. तो ये थी हमारे साथ मोहब्बते गर्ल, छुईमुई गर्ल प्रीति झांगियानी जी. बहुत एक्टिव है इंडस्ट्री में, काम कर रही है, सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स कर रही हैं जिनसे वो कह सके कुछ काम, बाकी अपनी कंपनी संभाल रही है. आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ.